हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भारत के एक हिंदू ब्राह्मण करबला क्यों गए थे, ये आज की वीडियो का टाइटल है। एंड करबला की जो सीरीज है, करबला जो एक जंग हुई थी, मेरे हिसाब से करबला क्यों हुई थी वो इस मुस्लिम इतिहास में बहुत ही बड़ी चीज़ मानी जाती है। उसके ऊपर लास्ट टाइम हमने एक वीडियो भी की थी, उसकी जो फाइनल सीरीज है उस वीडियो की, वो हम अवश्य ज़रूर लाएंगे, उसकी दोबारा जल्दी लेके आएंगे। लेकिन भारत के एक हिंदू ब्राह्मण करबला क्यों गए थे, ये आज की वीडियो का टाइटल है, जो कि बेहद ही इंटरेस्टिंग है। ब्राह्मण है, जैसे कि मतलब ब्राह्मण हर तरह के हिंदू में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन ब्राह्मण जो होते हैं वो बहुत ही ज्ञानी और माने जाते हैं, मतलब ब्राह्मण। तो वो करबला क्यों गए थे, भारत से थे वो, तो करबला मतलब डेफिनेटली भारत से बाहर ही हुआ था, भारत के अंदर नहीं हुआ था। करबला की जो जंग हुई थी वो भारत से बाहर हुई थी, और आई डोंट नो जंग और व्हाट इज़ दिस, बट जो भी था करबला में, जो हुआ था करबला जंग में, वो भारत के हिंदू ब्राह्मण क्यों गए थे, ये आज की वीडियो का टाइटल है। हम डेफिनेटली वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और जो अलामी जंक्शन चैनल की ये वीडियो है, फर्स्ट टाइम हम इनकी चैनल की वीडियो कर रहे हैं, आप लोग बताइएगा कैसी लगी वीडियो। ओरिजिनल लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो, इनके चैनल को विजिट कर सकते हो। और पसंद आए वीडियो को तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और कमेंट करके हमें बता सकते हो नेक्स्ट हम किस वीडियो पे रिएक्शन करें। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यार दोस्तों, जालिम बादशाह यजीद अपने हुकूमत के नशे में चूर होकर इंसानियत का चेहरा बिगाड़ देना चाहता था, लेकिन उसको ये अच्छी तरह से मालूम था कि जब तक हजरत इमाम हुसैन जिंदा हैं, तब तक वो अपनी मर्जी के काम नहीं कर सकता है। उसके इसी डर ने इमाम हुसैन और उनके घर वालों को करबला के मैदान में घेर कर उनको अपनी हुकूमत के सामने झुकने पर मजबूर किया गया। मगर इमाम हुसैन ने इंसानियत की एक जिंदा मिसाल पेश करते हुए यजीद की हर पेशकश को ठुकरा दिया और हर जुल्म को सहन किया। उसके बाद इमाम हुसैन और उनके बच्चों के लिए नहरे फुरात का पानी बंद कर दिया गया और तरह तरह के जुल्म और सितम आपके ऊपर करने शुरू कर दिए। फिर करबला के मैदान में 8 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो को अपने दो दोस्तों की याद आई, जिनमें पहला तो कूफा में रहने वाला आपका एक बचपन का दोस्त था जिसका नाम हबीब इब्ने मुजाहिर था, और दूसरा करबला से दूर बहुत दूर भारत की एक हिंदू राजा के नाम खत लिखा जिसका नाम राजा समुद्रगुप्त था। ये सुनकर आपको अजीब जरूर लगा होगा, मगर इस रिश्ते का इतिहास गवाह है। इस रिश्ते के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आपको हबीब इब्ने मुजाहिर का वाक्या बता देते हैं। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो का एक कासिद आपका खत लिखा हुआ वो खत लेकर कूफा में हबीब इब्ने मुजाहिर के घर पहुंचा। उस वक्त हबीब अपने घर में खाना खा रहे थे। हबीब इब्ने मुजाहिर ने पहला निवाला अपने मुंह में लिया ही था कि इतने में किसी ने घर के दरवाजे को बजा दिया। हबीब इब्ने मुजाहिर ने आवाज़ लगाई कि कौन है। बाहर से आवाज़ आई, मैं हजरत इमाम हुसैन का कासिद हूँ। ये सुनते ही हबीब इब्ने मुजाहिर ने मुंह से निवाला वापस निकाला और फौरन दौड़ता हुआ घर के दरवाजे की तरफ दौड़ा और जल्दी से दरवाज़ा खोला। हबीब ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखते हैं कि सामने इमाम हुसैन का एक कासिद खड़ा है। हबीब ने जल्दी से उस कासिद का माथा चूमा, उसके हाथ चूमे और जल्दी से उसके हाथ से वो खत ले लिया और उसको देखने लगे। खत को देखते ही हबीब इब्ने मुजाहिर रोने लगे। शौहर को रोता हुआ सुनकर हबीब इब्ने मुजाहिर की बीवी दौड़ते हुए घर के दरवाजे पर आई और पूछने लगी कि आए हबीब इब्ने मुजाहिर, क्या हुआ, आप रोने क्यों लगे हो। ये सुनकर हबीब इब्ने मुजाहिर ने कहा, देखो इस खत के ऊपर हुसैन इब्ने फातिमा लिखा हुआ है, जरूर इसमें कोई ना कोई बुरी खबर है, या अल्लाह खैर करना। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि उस वक्त अरब में ये दस्तूर था कि अगर कोई किसी के यहाँ पर खत लिखकर भेजता और अगर उस खत के ऊपर खुद का नाम के साथ अपने बाप का नाम लिखा होता तो इसका मतलब ये होता था कि उस खत में कोई ना कोई खुशी की खबर है, और अगर उस खत के ऊपर खुद के नाम के साथ अगर माँ का नाम लिखा हुआ होता तो इसका मतलब ये होता था कि उस खत में कोई ना कोई बुरी खबर है। इसी तरह से इस खत पर हुसैन इब्ने फातिमा लिखा हुआ था, इसीलिए हबीब इब्ने मुजाहिर रोने लगे। उसके बाद हबीब इब्ने मुजाहिर ने इमाम हुसैन का वो खत खोला और उसको पढ़ने लगे। इमाम हुसैन ने लिखा था, हबीब इब्ने मुजाहिर, अगर तुम आना चाहते हो तो जल्दी करके करबला के मैदान में आ जाओ, मैं अपने बहनों और बेटों के साथ में करबला के मैदान में मौजूद हूँ। यौम आशूरा के बाद में, यानी कि 10 मुहर्रम के बाद में
तुम कभी भी मेरी जियारत नहीं कर पाओगे। ये पढ़ते ही हबीब इब्न मुजाहिर रोने लगे। रोते रोते अपनी बीबी के तरफ देखा और सोचने लगे कि इसके दिल में क्या है, इस बात को तो जरा जान लूं। ये सोचकर अपनी बीबी से कहने लगे कि इमाम हुसैन ने मुझको याद किया है, लेकिन अगर मैं चला गया तो तुम बेवा हो जाओगी और मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। तो ये सुनकर हबीब की बीवी ने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हो, आपको हजरत फातिमा के लाल ने पुकारा है और आप बहाने ढूंढ रहे हो, अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो मैं चली जाती हूँ। ये सुनकर हबीब ने मुजाहिर कहने लगे, ऐ बेगम, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। उसके बाद में हबीब इब्ने मुजाहिर करबला के मैदान में पहुंचा। इमाम हुसैन ने दूर से ही अपने बचपन के दोस्त हबीब इब्ने मुजाहिर को आते हुए देख लिया, इसलिए आप उसके इस्तकबाल के लिए अपने काफिले के साथ सामने पहुंचे। इमाम हुसैन ने हबीब इब्ने मुजाहिर के हाथ चूमे, आँखों को चूमा। इतने में ही करबला के मैदान में नारा तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंजने लगी। जब नारा तकबीर की सदाएं खेमे में बैठी बीबी जैनब ने सुनी तो फिजा से कहने लगी, ऐ फिजा, मैदान में ये शोर कैसा है, कहीं जंग तो शुरू नहीं हो गई है। तो ये सुनकर फिजा ने कहा, बीबी जंग शुरू नहीं हुई है, इमाम हुसैन के बचपन के दोस्त हबीब इब्ने मुजाहिर तशरीफ लाए हैं। तो ये सुनकर बीबी जैनब ने कहा, ऐ फिजा, हबीब इब्ने मुजाहिर तक मेरा सलाम पहुँचाया जाए। जब ये बात हबीब इब्ने मुजाहिर तक पहुंची कि बीबी जैनब ने आप तक सलाम पहुंचाया है, तो हबीब इब्ने मुजाहिर ने अपने सर से अमामा उतारा और अपने बाल खोलकर कहने लगे, या अल्लाह, ये कैसा वक्त आ गया है, आले मोहम्मद पर आज आका अपने गुलामों तक सलाम भेज रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद में 10 मुहर्रम के दिन करबला की जंग शुरू हो गई और सबसे पहले हबीब इब्ने मुजाहिर ने अपनी शहादत देकर अपनी वफा को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर गए। दोस्तों, ये तो हुई इमाम हुसैन के लिखे पहले खत की बात। अब आपको 8वीं मुहर्रम के दिन लिखे दूसरे खत के बारे में बताते हैं, जो करबला से दूर, बहुत दूर भारत के एक हिंदू राजा के नाम लिखा गया था, जिसका नाम राजा समुद्रगुप्त था। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि राजा समुद्रगुप्त का हजरत इमाम हुसैन के साथ क्या नाता था, यानी कि इमाम हुसैन और समुद्रगुप्त का रिश्ता क्या था और आपने क्यों इस राजा के नाम खत लिखा। दोस्तों, आज से लगभग 1300 बरस से पहले की बात है, ईरान का बादशाह खुसरो परवेज, जो कि एक पारसी मजहब से था, उसके दो बेटियां थी, बड़ी मेहरबानो और छोटी का नाम शहरबानो था। मेहरबानो की शादी भारत के राजा चंद्रगुप्त के साथ की गई थी और उसके बाद रानी का नाम मेहरबानो से बदल कर चंद्रलेखा रख दिया गया था। कुछ सालों के बाद में पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इस्लामी लश्कर ने ईरान की हुकूमत पर हमला बोल दिया और पहले ही हमले में इस्लामी लश्कर ने ईरान पर फतह पाली, यानी कि ईरान की हुकूमत पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद में ईरान के बहुत से मर्दों और औरतों को कैदी बना लिया गया और उनको कैदी बनाकर मदीना ले आए। उन औरतों में ईरान का राजा खुसरो परवेज की शहजादी शहरबानो भी थी, जिसकी शादी फिर हजरत इमाम हुसैन के साथ कर दी गई। चंद्रगुप्त और चंद्रलेखा के एक बेटा हुआ, जिसका नाम समुद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त भारत का राजा बना, यानी कि ये उस वक्त की बात है जब चंद्रगुप्त भारत का राजा था। अब इस हिसाब से देखा जाए तो हजरत इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर इब्ने इमाम हुसैन समुद्रगुप्त का खाला जात भाई हुआ, यानी कि मौसेरा भाई हुआ। जब समुद्रगुप्त को खत मिला तो वो बेचैन हो गया और अपने आप को रोक नहीं पाया और जल्दी ही राजा समुद्रगुप्त ने अपने वीर सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार की और उसे अरब के करबला के मैदान की तरफ रवाना कर दिया। इन वीर सैनिकों का सरदार राहिब दत्त था, जो कि एक मोहयाल ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखता था। उसके बाद में क्या था, हवा से बातें करते हुए, रेत के सीने को चीरते हुए और बिजली की रफ्तार से भी तेज कुछ हिंदुस्तानी सपूतों का एक छोटा सा कारवां तारीख के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अपनी जगह बना गया। ये कारवां अपनी आँखों में एक अजीम मकसद लिए अरब के जमीन करबला के मैदान की तरफ रवाना हो गया। ये वही हिंदुस्तानी वीर सपूत थे जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक प्रेम की सुनहरी इबारत लिखने के लिए करबला के मैदान में जा रहे थे। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने जब करबला के मैदान में इंसानियत से सवाल किया
तो इतिहास ने देखा कि इमाम हुसैन का साथ देने के लिए जो अपने अपने घरों से हक परस्त निकले वो केवल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले ही नहीं थे बल्कि मुसलमानों के साथ साथ अपने कंधों पर सफेद चादर डाले अपने माथे पर तिलक लगाए हुए कुछ हिंदुस्तानी ब्राह्मण भी थे। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि इस वीर सैनिकों की टुकड़ी का सरदार राहिब दत्त था जो कि एक मोहयाल ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखता था। मगर अफसोस राहिब दत्त की ये सेना जब करबला के मैदान में पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी और तब तक जालिम यजीदी सेना ने हजरत इमाम हुसैन और उनके तमाम साथियों को शहीद कर दिया था। ये देखकर ब्राह्मणों की इस टुकड़ी का दिल टूट गया और उन्होंने जोश में अपने अपने तलवारों को अपने अपने गर्दनों पर रख लिया। ये देखकर अरब के एक महान योद्धा जनाबे मुख्तार सख्फी दौड़े और उन्होंने उनको ऐसा करने से रोक दिया। फिर इन वीर सैनिकों ने अपने अपने तलवार को अपने अपने गलों से हटाया और फिर जनाबे मुख्तार सख्फी के साथ मिलकर इमाम हुसैन के खून का बदला लेने के मकसद से दुश्मनों के साथ एक यादगार जंग किया और यजीदी सेना को हिंदुस्तानी तलवार का जहर दिखाया। दोस्तों इन वीर सैनिकों ने इराक में जहाँ पर अपना पड़ाव डाला था उस जगह को हिंदिया कहा गया है। वो जगह आज भी उसी हिंदिया के नाम से इराक में मौजूद है। उसके बाद इन ब्राह्मणों में से कुछ तो शहीद हो गए, कुछ वहीं पर इराक में बस गए और कुछ लोग वापिस अपने वतन भारत लौट आए। इतिहास में इन वीर ब्राह्मणों को हुसैनी ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। आज भी ये हुसैनी ब्राह्मण भारत में जगह जगह पर फैले हुए हैं और जब भी 10 मुहर्रम का दिन आता है तो आज भी ये हुसैनी ब्राह्मण इमाम हुसैन की याद में मातमी जुलूस निकालते हैं। ओके, व्हाट अ इंटरेस्टिंग वीडियो यार, मतलब लंबी बहुत थी और समझाया इन्होंने कि दो दोस्त तीन दोस्तों की कहानी और भारत में जो हिंदू थे उनके रिश्ते में कैसे लगे थे। मतलब उनकी जो दो बहनें थी, एक बहनों की शादी भारत के राजा से हुई थी, डेफिनेटली होता है ऐसा भी, और उस वजह से उनका चचेरा भाई वाला रिश्ता था और उस तरीके से उन्होंने लिखा था। तो वीडियो बहुत प्यारी थी और काफ़ी कुछ समझ में आता है, खासकर दोस्ती इसके अंदर बहुत ही प्यारी झलक रही है जो इसके अंदर वीडियो के अंदर दिखाया गया है। और जंग जो हो रही थी वो उसके खिलाफ थी, मतलब अगर कोई जुल्म कर रहा है, जुल्म राजा के खिलाफ थी जंग। तो करबला की सीरीज हम डेफिनेटली लाएंगे, उसके अंदर थोड़ा सा और बारीकी से समझेंगे कि करबला की जंग क्यों हुई थी और क्या रीज़न था कि कौन जीता था। इस तरीके से वीडियो बहुत प्यारी थी, आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे इस तरीके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।